ये दोनों एक ही है। तो कुरुख बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति बोलती है, ये प्रश्न पूछा आपका प्रश्न नंबर तीसरा। ऑप्शन ए में दिया है आपका बैगा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कमार जनजाति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उराव जनजाति। ठीक है, तो कुरुख बोली का प्रयोग उराव जनजाति के द्वारा जो है कुरुख बोली का प्रयोग किया जाता है आपका करतेल गेदी जलप्रपात। करतेल गेदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, कांकेर जिले में। के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमारे संविधान में जो है अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हबो पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न और आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर आज हम MCQ के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जैसे कि आगामी एग्जाम जैसे कि CG SI सूबेदार पटवारी और फूड इंस्पेक्टर आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो यदि मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न कहता है कि बस्तर अंचल में धनकुल जागर के आयोजन में गायन की भाषा क्या है। ठीक है, जो बस्तर अंचल में जो धनकुल जागर जो होता है, ठीक है, उसकी जो भाषा है वो क्या है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर पहला में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका लारिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका हल्बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका सरगुजिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हल्बी। हल्बी भाषा में जो है धनकुल जागर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, धनकुल जागर का जो आयोजन है उसमें जो गायन किया जाता है वो हल्बी भाषा में किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर दूसरा में शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से है। ठीक है, तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा आपका प्रश्न नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका बिरहोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका बिंझवार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका कमार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बैगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहीद वीर नारायण जो सोना खान के क्या थे, वीर पुत्र थे, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो है वीर नारायण सिंह हैं, वो जो है बिंझवार जनजाति से संबंधित है। ठीक है, बिंझवार जनजाति से संबंधित है आपका शहीद वीर नारायण सिंह। क्लियर, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर तीसरा में जो है कुरुख बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति बोलती है। ठीक है, कुरुख या आपका कुरुख, ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो कुरुख बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति बोलती है, ये प्रश्न पूछा आपका प्रश्न नंबर तीसरा। ऑप्शन ए में दिया है आपका बैगा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कमार जनजाति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उराव जनजाति। ठीक है, तो कुरुख बोली का प्रयोग उराव जनजाति के द्वारा जो है कुरुख बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुरुख बोली जो बोलते हैं वो उराव जनजाति बोलते हैं। उराव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति जो है उराव जनजाति है और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो होता है वो उराव जनजाति में होता है। ठीक है, और ये जो है उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति जो है मुख्य देवता की बात करें तो सरना देवी इनके मुख्य देवता है। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर चौथा की बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा कहता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है आपका लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर पांचवा की बात करें तो राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका रतनपुर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आरंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिरपुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल्य वंश की राजधानी आरंग था। ठीक है, आरंग जो है राजर्षि तुल्य कुल्य वंश की राजधानी।
यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर छठों की बात करें, इनमें से कौन सा बस्तर में नहीं है? ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में नहीं है, ये प्रश्न पूछा है आपका। प्रश्न नंबर छठवा, ऑप्शन ए में दिया है आपका कागेर घाटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका चित्रकूट जलप्रपात, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है तातापानी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तातापानी। बस्तर क्षेत्र में नहीं है आपका तातापानी, ये जो है आपका बलरामपुर ज़िले में है। ठीक है, बलरामपुर ज़िले में स्थित है आपका तातापानी, गर्म पानी का स्रोत जो है आपका तातापानी है। इलिया अगला देखें, प्रश्न नंबर सातवां की बात करें, करतेल गेदी जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो करतेल गेदी जलप्रपात किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर सातवां। ऑप्शन ए में दिया है बस्तर, ऑप्शन बी में दिया है बिलासपुर, ऑप्शन सी में दिया है कांकेर, और ऑप्शन डी में दिया है आपका बलरामपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांकेर जिला में स्थित है आपका करतेल गेदी जलप्रपात। करतेल गेदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कांकेर जिला में स्थित है। अगला देखें, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब एकल पुरुष वर्ग विजेता कौन बने हैं? ठीक है, फ्रेंच ओपन पूछा है 2021 का पूछा है, और एकल पुरुष विजेता का नाम पूछा है कौन है। ऑप्शन ए में दिया है आपका नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी में दिया है राफेल नडाल, ऑप्शन सी में दिया है आपका डेलियन मेहदेवा। का करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच ओपन 2021 के एकल विजेता है। क्लियर, अगला देखें, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नौवा की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका तेज कुंवर नेताम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनिला भेड़िया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका सरोज पांडे, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका किशन सोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज कुंवर नेताम जो है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाया गया आपका तेज कुंवर नेताम को। अगला देखें, प्रश्न नंबर दसवां की बात करें, राज्य की किस प्रतिभागी ने मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन अवार्ड 2021 जीता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेंट अफेयर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका अंकिता जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्वेता जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका सुरभि चंद्राकर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्वेता जायसवाल के द्वारा जो है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन अवार्ड 2021 जीता गया है। क्लियर, अगला देखें, प्रश्न नंबर ग्यारहवा की बात करें, अध्यादेश जारी कौन करता है? ठीक है, तो अध्यादेश जारी कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यसभा के सभापति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, तो अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर बारहवा की बात करें, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति है, यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है, राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसे सौंपेगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को जो है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्लियर है यहां तक? अगला देखें, अगला की बात करें, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर तेरह की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ठीक है, उदाहरण पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी दिया है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पाया जाता है। क्लियर, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 की, तो विधि द्वारा स्थापित
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो संविधान में जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 14। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जापान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जापान। जापान द्वारा, जापान के संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमारे संविधान में लिया गया है। क्लियर है? अगला देखें प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यहाँ पास स्थाई और अस्थाई नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है? उपाधियों का अंत मतलब ये जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुच्छेद 17। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें प्रश्न 17। प्रश्न 17 की बात करें संविधान में नागरिकता किस भाग में बताया गया है? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान बताए गए हैं भाग कौन से भाग में बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाग 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका भाग 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाग 4। तो भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 18। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बताया गया है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस भाग में बताया गया है, संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाग 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका भाग 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाग 4। तो इस ये मौलिक अधिकार जो है संविधान में भाग 3 में बताया गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 में बताया गया है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखें बिलासपुर। बिलासपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका मनियारी नदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका सुनात नदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका अरपा नदी और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका खारून नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरपा नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जो है अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखें कोटरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कोटरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका सबरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका कोलाब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका परलकोट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोटरी नदी को जो है परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोटरी नदी को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।